हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा इंग्लिश ग्रामर का जो टॉपिक है उसका नाम है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्वेश्चन। तो एक स्टूडेंट ने मुझे क्लास में एक बुक के अंदर एक सेंटेंस दिखाया और फिर बताया कि सर एक क्वेश्चन वाली फीलिंग के सेंटेंस में, लेकिन इसके पीछे क्वेश्चन मार्क नहीं दिया, खाली फुल स्टॉप दिया है, तो क्वेश्चन में तो क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, फुल स्टॉप क्यों? तो तब मैंने उसको बताया कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन और इनडायरेक्ट क्वेश्चन का जो तुम्हारा डाउट है उसके रिलेटेड है, तो आज हम उसको सीखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन, जो प्रोनाउन हमको क्वेश्चन पूछने में हेल्प करते हैं। तो हु, व्हाट, विच, हुम, ये सब हमारे इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। अब देखते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हम सीधा पूछ लेते हैं किसी को डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। अगर पर्सन हमारे सामने है तो हम जिससे बात कर रहे हैं उससे सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हु आर यू, सपोज मेरे सामने कोई खड़ा है अननोन पर्सन, तो मैं उसको पूछ लूँगा हु आर यू। हु वॉज द पायलट ऑन द ब्लैक एरोप्लेन, तो ये दोनों है डायरेक्ट क्वेश्चन, इसके अंदर हमारे इंटरोगेटिव प्रोनाउन है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी दिया है दोनों सेंटेंस के अंदर। अब है हमारा इनडायरेक्ट क्वेश्चन। इनडायरेक्ट क्वेश्चन क्या है? तो जो रिपोर्टेड स्पीच, मतलब हमारी जो इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है ना, उसमें रिपोर्टेड स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, उसके अंदर हम क्वेश्चन पूछते हैं। फॉर द इंक्वायरी, इंक्वायरी के लिए हम पूछते हैं। तो जो क्वेश्चन पूछते हैं वो है हमारे इनडायरेक्ट क्वेश्चन। उसके अंदर क्या है तो समझो, जब हम इनडायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हमको ऐसे पूछा जाता है एग्जाम में कि टर्न द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू रिपोर्टेड स्पीच या तो इनडायरेक्ट स्पीच, और उसमें अगर क्वेश्चन वाला सेंटेंस है तो हम क्या करते हैं, तो जो इंटरोगेटिव वर्ड ऑर्डर है, इंटरोगेटिव वर्ड ऑर्डर, वो चेंज होता है किस में? एफर्मेटिव वर्ड ऑर्डर में। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी ऐसा है, इंटरोगेटिव में भी ऐसा है। तो हमको क्या करना है, जो इंटरोगेटिव सेंस है, इंटरोगेटिव वर्ड ऑर्डर जो ऑर्डर है, हम किसी को पूछोगे व्हाट आर यू डूइंग, तो व्हाट क्वेश्चन वाला इंटरोगेटिव प्रोनाउन, आर यू डूइंग, तो वो हो गया हमारा इंटरोगेटिव वर्ड ऑर्डर, जिसको एफर्मेटिव वर्ड ऑर्डर में चेंज करना है। तो अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क इज ओमिटेड, तो क्वेश्चन मार्क ओमिट होता है, रखने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो, पहले हमने एक क्वेश्चन पूछा था डायरेक्ट, हु आर यू, तो अभी रिपोर्टेड स्पीच में किसी ने ऐसा है आंसर, सी आस्क्ड हिम, उसने उससे पूछा हु ही वॉज, तो देखो फुल स्टॉप आ गया पीछे। आई आस्क्ड अ वुमन हु द पायलट ऑन द ब्लैक एरोप्लेन वॉज, फुल स्टॉप, तो क्वेश्चन मार्क ओमिट हो गया, क्योंकि जो एफर्मेटिव वर्ड ऑर्डर हो गया, जो हमने डायरेक्ट स्पीच का इनडायरेक्ट में सॉल्व किया उसमें हमारा इंटरोगेटिव वर्ड ऑर्डर से एफर्मेटिव वर्ड ऑर्डर हो गया, इसीलिए क्वेश्चन मार्क चला गया। तो अगर कोई आपको पूछे कि व्हाट इज इनडायरेक्ट क्वेश्चन, तो आप सीधा एक एग्जाम्पल बोल सकते हो ऐसा, She asked him who he was, full stop। अभी देखो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक एग्जाम्पल ले लिया तो आपका पूरा क्लियर हो जाए। Hello, प्राची said to me, how are you? अब इसको सॉल्व करते हैं, तो hello क्या है, ग्रीटिंग से, तो प्राची greeted me and asked, पीछे क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करते हैं, तो प्राची greeted me and asked How I was, आ गया फुल स्टॉप, तो ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट क्वेश्चन। तो बहुत सिंपल है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट क्वेश्चन एंड इनडायरेक्ट क्वेश्चन, आप एक एक एग्जांपल माइंड में फिट कर ले तो आप किसी को भी बता सकते हो, कोई आपकी टेस्ट ले सकता नहीं है।